ऑस्कर अवार्ड से जुड़े 20 ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर हिल जाओगे। 20 फैक्ट्स अबाउट ऑस्कर अवार्ड्स। किसने जीते हैं सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड्स? ऑस्कर अवार्ड से जुड़ी 20 दिलचस्प बातें। साल 1930 में ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी। 25 अप्रैल 2021 को 93rd अकेडमी अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई थी। 94th अकेडमी अवार्ड सेरेमनी 27 मार्च 2022 को आयोजित की जाएगी। दुनिया भर में ये सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स हैं जो फिल्मों में बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यक्षिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अकेडमी या ऑस्कर अवार्ड से जुड़ी दिलचस्प बातें। नंबर एक, भारतीय सिनेमा को 108 साल बाद भी किसी भी फिल्म को आज तक ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। नंबर दो, भारत में अब तक सिर्फ 5 भारतीयों को ही ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसमें सिंगर और म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान, गीतकार गुलजार और म्यूजिक मिक्सिंग करने वाले रेसुल पोकुट्टी को एक ही फिल्म के लिए अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। नंबर तीन, एआर रहमान 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। रहमान ने स्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर जीते थे। नंबर चार, इंडिया में पहली बार ऑस्कर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को मिला था। साल 1983 में आई फिल्म गांधी के लिए उन्होंने जॉन मोलो के साथ मिलकर कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए उन्होंने ऑस्कर अपने नाम किया था। नंबर पाँच, साल 1991 में देश के दिग्गज फिल्म मेकर सत्यजीत रे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किए गए। उन्हें ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था। नंबर छह, आपको बता दें कि पहली बार 16 मई 1929 को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ था, यानी पिछले 85 साल से दुनिया के बेहतरीन फिल्मों और कलाकारों को ये ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा है। नंबर सात, ऑस्कर में भारत की ओर से 1957 से लेकर 2020 तक कुल 53 फिल्में विदेशी भाषा कैटेगरी के लिए भेजी जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 33 फिल्में बॉलीवुड यानी हिंदी भाषा की रही हैं। नंबर आठ, इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई पहली फिल्म मदर इंडिया थी, जिसे 1957 में 30वें ऑस्कर अवार्ड फंक्शन में भेजा गया था। नंबर नौ, अभिनेता कमल हसन की सबसे ज्यादा 7 फिल्में ऑस्कर के लिए भारत की ओर से भेजी गई है। अभिनेता आमिर खान की बतौर एक्टर 4 फिल्में ऑस्कर के लिए भेजी गई। इनमें से लगान को नॉमिनेशन भी हासिल हुआ था। बंगाली फिल्म मेकर सत्यजीत रे की 3 फिल्मों को ऑस्कर में भारत की ओर से भेजा गया था। नंबर 10, ऑल टाइम बेस्ट एक्ट्रेस कैथरीन हेपबर्न को 4 बार ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जा चुका है, लेकिन वे एक भी बार खुद अवार्ड लेने नहीं आई। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 1934, 1968, 1969 और 1982 का ऑस्कर अपने नाम किया है। नंबर 11, ऑस्कर के इतिहास में सबसे ज्यादा बार नामित हुए और सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले वॉल्ट डिज्नी के खाते में है 29 ऑस्कर अवार्ड्स। वॉल्ट डिज्नी वो शख्स जिसने जीते हैं सबसे ज्यादा ऑस्कर, कुल 59 बार हुए हैं नॉमिनेट। नंबर 12, मेरिल स्ट्रीप का नाम ऑस्कर के लिए 20 बार नामित हुआ और 3 बार यह अवार्ड उनकी झोली में आया। नंबर 13, ऑस्कर के इतिहास में सबसे सफल फिल्म बेनहर, टाइटेनिक और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग रही है। तीनों फिल्मों को 11-11 ऑस्कर मिले हैं। नंबर 14, महान निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सीजी को उनके जीवन का पहला ऑस्कर 2007 में मिला। उन्होंने मजाक में कहा कि आप एक बार और लिफाफा चेक करेंगे। Could you double check the envelope? नंबर 15, हॉलीवुड में अमेरिकन इंडियंस के साथ होने वाले बर्ताव के विरोध में मर्लन ब्रांडो ने 1973 में फिल्म गॉडफादर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। नंबर 16, बेस्ट पिक्चर अवार्ड पाने वाली सबसे लंबी अवधि की फिल्म के तौर पर गोन विद द विंड का नाम शामिल है। ये फिल्म 234 मिनट की है। नंबर 17, ऑस्कर के इतिहास में अभी तक सबसे अधिक नॉमिनेशन पाने वाली फिल्म टाइटेनिक है।
इस फिल्म को 14 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। नंबर 18, 1929 से लेकर अभी तक ऑस्कर में सबसे अनलकी फिल्मों के तौर पर 1978 में रिलीज फिल्म द टर्निंग पॉइंट और 1986 में रिलीज फिल्म द कलर पर्पल का नाम आता है। 11-11 नॉमिनेशन के बावजूद इन दोनों फिल्मों को एक भी ऑस्कर नसीब नहीं हुआ। नंबर 19, 1951 की फिल्म स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर और 1976 की फिल्म लुक नो फर्दर देन नेटवर्क दो ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने एक्टर कैटेगरी में सबसे अधिक ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं। दोनों फिल्मों ने 3-3 एक्टर कैटेगरी अवार्ड जीते हैं। नंबर 20, बीते 12 वर्षों में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाने वाली 7 एक्ट्रेस को यह अवार्ड रियल लाइफ कैरेक्टर्स प्ले करने के कारण मिला है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम इसी टाइटल से इस वीडियो का अगला पार्ट भी लाएंगे, तो देखना मत भूलिए। धन्यवाद।